नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। संस्था की तरफ से कंटिन्यू लगातार आप लोगों के सुपर टेट के जो है प्रमोशन क्लासेस जा रही हैं और बैचेस भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो सुपर टेट में जिन भी अभ्यर्थियों को एडमिशन लेना हो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है एक नंबर और लिखना है आपको सुपर टेट एंट्री, और आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 9125423936 पर। इस नंबर पर जब आप हमें मैसेज करेंगे तो हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करेगी और जो भी प्रक्रिया है प्रवेश की, वह प्रवेश की पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी और उसके बाद आप अपनी प्रवेश जो को जो है संस्था में सुनिश्चित कर सकते हैं। संस्था की तरफ से लगातार बैचेस आप तक पहुंच रहे हैं, आपको उपलब्ध हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम लोग भारत के का जो संविधान है उसका जो संवैधानिक डेवलपमेंट है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसको हम देख रहे थे कि कैसे भारत का संविधान क्रमवार तरीके से डेवलप करते हुए चला गया, भारत का संवैधानिक इतिहास जो है वह कैसे डेवलप हुआ, कैसे एक एक स्टेप में। हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि दो तरीके से वो है भारत के संविधान का डेवलपमेंट हुआ। एक तो हुआ कंपनी के शासन के अधीन, यानी कंपनी के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी उसके अधीन जो डेवलपमेंट हुआ, अर्थात 1773 से लेकर 1853 तक की चार्टर एक्ट की बात करें हम, या कंपनी से जब शासन व्यवस्था ले ली जाती है और वह शासन व्यवस्था सौंप दी जाती है दोस्तों किसको, क्राउन को। तो क्राउन को जब दिया जाता है तो 1858 से लेकर 1947 तक का काल जो है वह डेवलपमेंट का काल कहलाता है। तो अभी तक हमने 1853 तक के चार्टर एक्ट को पढ़ लिया था और 1853 के चार्टर एक्ट के पास होने के कुछ वर्षों उपरांत सन 1857 में भारत में क्रांति होती, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, जो मेरठ के बैरकपुर छावनी से उत्पन्न होती है और धीरे धीरे करते करते पूरे देश में फैल जाती है। बहुत सारे उसके कारण थे, चाहे वो राजनैतिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, बहुत सारे ऐसे कारण तात्कालिक कारण थे जो उस विद्रोह को जन्म दिया था। जब उस विद्रोह के कारणों को जाना अंग्रेजों ने कि क्यों यह विद्रोह हुआ, सैनिक म्यूटनी क्यों हुई है, आंदोलन क्यों हुआ, तो बहुत सारे कारण निकल के आए, जिसमें कंपनी के द्वारा जो कुप्रशासन था, कंपनी की जो कुप्रशासन की व्यवस्थाएं थी, मिसमैनेजमेंट हो रहा था। धार्मिक मामलों में अननेसेसरी का इंटरफेयर किया जा रहा था, धर्म के मामलों में इंटरफेयर किया जा रहा था। हमने आपको बताया था कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना लिया था। साम्राज्य विस्तार की नीति में डलहौजी की राज्य हड़प नीति, ठीक है, जिसके तहत उन्होंने झांसी, सतारा, संभलपुर और इस तरह के कई छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने कुप्रशासन के आधार पर क्या किया, मिला लिया था अपने जो है अंग्रेजी साम्राज्य में। पेशवा जो है थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई, ठीक उसी तरीके से कई फिर सहायक संधि आती है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, उसका भी उद्देश्य क्या था, जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसका विस्तार करना। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, वो विस्तार तो हो रहा था लेकिन भारतीयों में उस चीज को लेकर असंतोष उत्पन्न होता चला जा रहा था, और उस असंतोष को व्यक्त करने का माध्यम उन्हें मिल गया 1857 की क्रांति, जो मेरठ की बैरकपुर छावनी से उत्पन्न हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, और धीरे धीरे करते करते ये पूरे देश में फैल गया। हालांकि उस आंदोलन को अंग्रेजों ने एक वर्ष के भीतर ही दबा दिया, और उसको दबाव देने का कारण क्या था, कई कारण थे। पहली चीज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, दूसरी चीज हमारे पास यूनिटी नहीं थी, एकता की कमी थी, सभी अपने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अगर झांसी की रानी अंग्रेजों से विद्रोह कर रही थी तो उनका अपना व्यक्तिगत कारण था, ठीक है, या भी जो भी राजा थे, जो भी छोटे छोटे प्रांतों के राजा थे, जो भी इस बगावत में शामिल थे, उनके अपने व्यक्तिगत कारणों से, है ना, तीन सब कारणों से वह आंदोलन क्या है, समाप्त हो गया, कुचल दिया गया। लेकिन उस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर उन्होंने कर दिया था कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी
जो है उसके पीछे जो रीजन थे, ऐसे कौन से रीजन थे जिनके कारण ये म्यूटनी उत्पन्न हुई थी। उन्हीं कारणों को जब जाना उन्होंने, तो कंपनी को क्या कर दिया था, क्योंकि कंपनी को पहले उन्होंने एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बदल दिया था। क्यों? क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार जो कंपनी का था वो समाप्त कर दिया गया था। अर्थात व्यापारिक एकाधिकार को जब समाप्त कर प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, तो उन्होंने कंपनी के हाथ से शासन ले लिया और शासन चला जाता है किसके हाथ में, क्राउन के हाथ में, मीन्स इंग्लैंड के हाथ में, ठीक, महारानी के हाथ में शासन चला जाता है। और जब 1857 की क्रांति के बाद शासन जाता है, तो सबसे पहला एक एक्ट आता है 1858 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं कि 1858 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके द्वारा किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, तो आइए उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। 1858 का चार्टर एक्ट, 1858 का चार्टर एक्ट, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी। पहली चीज तो इसमें क्या किया गया था दोस्तों, कि कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था लेकर, कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था लेकर क्राउन को दे दी गई थी, क्राउन को दे दी गई, अर्थात क्राउन के हाथ में शासन व्यवस्था को सौंप दिया जाता है पूरी तरीके से। इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा भारत सचिव पद का सृजन किया गया, एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया इस एक्ट के द्वारा, और उस सेक्रेटरी का काम क्या था, उस सेक्रेटरी का काम था भारत की जो गतिविधियां होती थी उस गतिविधि की सूचना वो किसे दिया देता था, क्राउन को देता था। ठीक है, किसे देता था, क्राउन को देता था। तीसरा काम क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल तीनों प्रांतों के गवर्नर जनरल थे, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, फिर उन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर के अधीन दोनों को कर दिया, फिर गवर्नर का नाम बदल कर गवर्नर जनरल किया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब इस एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उस गवर्नर जनरल का नाम इन्होंने बदल दिया, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय। और पहले वायसराय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग। यहां पर याद रखिएगा आपको, यदि पहले वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं पहले वायसराय, लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है दोस्तों, वायसराय कर दिया जाता है, और लॉर्ड कैनिंग पहले जो है वायसराय बनते हैं। इसी एक्ट के द्वारा एक और कार्य किया गया, इसी एक्ट के द्वारा जो भारत में द्वैध शासन की प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली को भी भारत में से क्या किया गया,
समाप्त कर दिया गया। तो किस एक्ट के द्वारा? 1858 के। इस एक्ट में दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है दोस्तों कि किस एक्ट के द्वारा भारत सचिव पद का सृजन किया गया, किस एक्ट के द्वारा भारत सचिव का पद सृजन किया गया, तो 1858 के एक्ट के द्वारा। दूसरा, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया और पहले वायसराय कौन थे, तो 1858 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय नाम रख दिया गया, और पहले वायसराय कौन नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है यहां पर? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो एक्ट आता है दोस्तों वह रहता है 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, 1909 का भारत शासन अधिनियम जिसे किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आप लिख लीजिएगा इसको, मार्ले मिंटो सुधार। चूंकि भारत सचिव पद का सृजन हो चुका था तो लॉर्ड मार्ले जो थे वो उस समय भारत के तत्कालीन सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है वो वायसराय थे जब यह एक्ट आया था, और इन दोनों के संयुक्त प्रयास से जो सुधार भारत में किए गए, जो सुधार लाए गए, उसी को जो है क्या कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना गया। इस एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया था, भारत में बहुत सारी चीजों में बहुत बृहद स्तर पर सुधार किए थे। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा जो प्रश्न आता है वह आता है, पहला पॉइंट है इसका, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल का की व्यवस्था की गई। यहां से उन्होंने क्या किया, व्यवस्था की गई। अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई थी कि यदि भारत पर और अधिक दिनों तक शासन करना है तो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता है उस एकता को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के मामले में वो हस्तक्षेप करना बंद कर चुके थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो 1857 की क्रांति थी वो क्रांति असंतोष से ज्यादा जो उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप था, अंग्रेज अननेसेसरी बिना किसी वजह के वो क्या कर रहे थे कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिए थे, और ये बात उनको यह समझ में आ गई थी उस क्रांति के बाद कि बिना वजह किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना अर्थात अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। तो इन्होंने क्या किया कि धर्म में परिवर्तन करना तो बंद कर दिया, अपितु इन्होंने इस एक्ट के द्वारा क्या किया, मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी, अर्थात कहीं ना कहीं वह मुसलमानों को अलग करने की राजनीति यहां से प्रारंभ कर देते हैं इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। बहुत बड़ा पॉइंट है इसके द्वारा। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो 1909 के एक्ट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि सांप्रदायिकता के आधार पर, क्योंकि ये सांप्रदायिकता ही है ना, धर्म निरपेक्षता तो है नहीं, सांप्रदायिकता है, तो सांप्रदायिकता के आधार पर इन्होंने क्या किया था, पहली बार मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया
कि जो सार्वजनिक मुद्दे थे, सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अर्थात यदि कोई सार्वजनिक मुद्दा है तो कोई व्यक्ति उस सार्वजनिक मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकता था कि उसका क्या अर्थ है, क्यों वह चीजें रखी गई हैं। ठीक, तो दो पॉइंट इसमें आते हैं कि उस समय तत्कालीन प्रश्न पूछा जाता है जो बेटा वो रहता है कि किस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो 1909 का जो एक्ट था अपना वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। मार्ले कौन थे उस समय तत्कालीन सचिव, और वाइस राय कौन थे लॉर्ड मिंटो। इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी थी तथा सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई थी। इसके बाद आता है 1919 का शासन अधिनियम, 1919 का शासन अधिनियम, शासन इसे किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। ये कौन थे, सचिव थे मॉन्टेग्यू, ये भारत के तत्कालीन वायसराय थे। इन दोनों जन के संयुक्त प्रयास से जो सुधार भारत में किए गए वही सुधार मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा क्या क्या काम किया गया देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे प्रश्न इस एक्ट के द्वारा बन सकता है। पहली चीज तो क्या की गई, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। उन्होंने चाहा कि एक ऐसी सरकार बने जो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, एक ऐसी सरकार के गठन का प्रयास जो है 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा किए जाने का प्रयास किया गया। और कैसे उत्तरदायी सरकार बनेगी, देखिए इन्होंने क्या किया, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को पहचान कर उन्हें अलग कर दिया गया, केंद्रीय विषयों को पहचान कर अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब प्रांतीय और विषय जो थे उनको अलग अलग कर दिया गया तो कौन कौन से विषय किसमें रखे गए, है ना, तो प्रांतीय जो विषय थे और केंद्रीय विषय उनको अलग अलग कर दिया गया है, है ना। तो प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में रखा इन्होंने, प्रांतीय विषय को दो वर्गों में रख दिया, प्रांतीय विषय को ये क्या कर रहे हैं, दो वर्गों में बांट दे रहे हैं। एक तो कर दे रहे हैं रक्षित वर्ग, रिजर्व रक्षित वर्ग, और एक कह दे रहे हैं हस्तांतरित वर्ग, हस्तांतरित वर्ग। अब देखिए रक्षित वर्ग में इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण चीजों को रखा रक्षित वर्ग में, जिससे रेवेन्यू आता था, तो रेवेन्यू से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो उन्होंने रक्षित वर्ग में रखे, और जिनसे कोई रेवेन्यू नहीं आता था जैसे शिक्षा, कृषि, सिंचाई,
ये सब इन्होंने किस में रख दिए, हस्तांतरित में डाल दिए गए। और जेल, पुलिस, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, ये सारी चीजें इन्होंने किस में रखी, रक्षित में। जेल, पुलिस, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और प्रशासन आदि, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो प्रांतीय विषय को उन्होंने दो वर्गों में बांट दिया है दोस्तों, रक्षित वर्ग और हस्तांतरित वर्ग में। तो रक्षित वर्ग में किन किन विषयों को रखा, जेल को रख दिया, पुलिस, न्याय और प्रशासन व्यवस्था, है ना। अब यहां पर जो रक्षित वर्ग था और हस्तांतरित वर्ग, तो रक्षित वर्ग पर शासन कौन करता था, रक्षित वर्ग का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों के साथ करता था। इस पर कौन करता था, जो गवर्नर होता था, गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की परामर्श से, मंत्रियों के परामर्श से करता था इन प्रशासन। किस पर, जो रक्षित वर्ग के विषय थे इन पर प्रशासन कौन करता था, गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों के परामर्श से करता था, जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उसका प्रशासन गवर्नर जनरल करता था। इसका प्रशासन कौन करता था, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ परामर्श से, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के परामर्श से करते थे। ठीक, तीन पॉइंट इसमें है। भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को पहचान कर अलग कर दिया गया, प्रांतीय विषय को दो वर्गों में बांट दिया गया, और दोनों में क्या किया गया, इन्होंने प्रांतीय विषय में क्या कर दिए, रक्षित वर्ग और हस्तांतरित वर्ग बना दिए। रक्षित वर्ग प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों के साथ करने लगा, जबकि हस्तांतरित पर गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ, अपनी परिषद के सदस्यों के साथ क्या करने लगे, वो शासन व्यवस्था को चलाने लगे। ठीक, अब इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, सन 1927 में एक आयोग आता है भारत में। कौन सा आयोग आता है, साइमन कमीशन। क्योंकि जिस उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास इन्होंने किया था, उस उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास पूरी तरीके से विफल था और भारतीयों में असंतोष व्याप्त था, भारतीयों में असंतोष व्याप्त था, और उस असंतोष को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन भारत भेजने का निर्णय लिया, और भारतीयों ने उस कमीशन का विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि उस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। और वो किस कारण, क्यों आ रहे थे भारत, साइमन कमीशन क्यों भारत आ रहा था, साइमन कमीशन भारत इसलिए भेजा जा रहा था कि वास्तविकता में भारत की स्थिति को समझकर कि क्या भारतीयों को सत्ता दे दी जाए। तो जब हमारी ऊपर आप शासन कर रहे हैं, हमारे बीच का कोई सदस्य आपके सदस्य मंडली में ना हो तो हमारी बात को कौन रखेगा। तो भारतीयों ने उस बात का पुरजोर विरोध किया जब साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, तो सन 1927 में एक साइमन कमीशन भारत आता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसका विरोध भारतीयों द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जिस उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा इन्होंने 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा की थी, वह पूरी तरीके से विफल हो चुकी थी, है ना, पूरी तरीके से वह क्या हो गई थी, असफल हो गई थी अंग्रेजों की रणनीति। उसके बाद आता है, जब साइमन कमीशन आता है भारत असफलता के कारण, चूंकि उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो चुकी थी, और उसी समय महात्मा गांधी जो है वह साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आते हैं, और जब वह आते हैं तो भारत में असहयोग आंदोलन की घोषणा हो जाती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाता है, जिसे अपार सफलता मिलती है, बहुत ही बड़े स्तर पर वह सफल होता है। फिर उसके बाद 1935 का शासन अधिनियम लाया जाता है, 1935
35 का शासन अधिनियम। आज का जो वास्तविकता में आज का जो भारत का संविधान है दोस्तों, वह बहुत हद तक जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उनके प्रावधानों से बहुत सारा मिलता जुलता है। 1935 के शासन अधिनियम में इन्होंने क्या किया, एक संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया। संघात्मक सरकार, आज की जो न्यायपालिका है, आज की जो शासन व्यवस्था है, वह 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद अब जो चीजें रह जा रही हैं हमारी, जैसे मान लीजिए अब 1947 तक हमने किया था, तो 1935 का शासन अधिनियम, तो 1935 के शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने किया कि एक तो संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया, पहला प्रयास। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रांतों और केंद्र के मध्य, यानी केंद्र और राज्य के मध्य, उस समय प्रांत कहलाते थे, तो केंद्र और प्रांत के मध्य क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत आप भारत के संविधान में पढ़ते हैं, भारत के संविधान में आप पढ़ते हैं देयर इज अ डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नॉट द डिवीजन ऑफ पावर। भारत के संविधान में क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि ना तो कार्यपालिका विधायिका के काम में इंटरफियर करती, ना विधायिका न्यायपालिका या कार्यपालिका के में। तो सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था की गई, एक फेडरल न्यायालय की स्थापना का प्रयास किया गया, स्थापना की गई फेडरल न्यायालय की। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल में यह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को फेडरल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। तो जो उस समय संघीय न्यायालय था, उस संघीय न्यायालय को समस्त शक्तियां बाद में जब सुप्रीम कोर्ट हमारा हुआ उसको दे दी गई। तो ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो 1935 के अधिनियम में भी लाए गए। ठीक, फिर आता 1947 का भारतीय जो है स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके द्वारा भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है और उस डिवीजन को कांग्रेस स्वीकार कर लेती है और भारत से पाकिस्तान को पृथक कर लिया जाता है, पृथक करके एक पृथक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना उसी को कहते हैं, माउंटबेटन लेकर आए थे भारत के डिवीजन को, भारत के बंटवारे को। ठीक है, तो सांप्रदायिक आधार पर भारत का भी बंटवारा कर दिया गया। तो भारत के संवैधानिक विकास में हम लोगों ने सारी चीजें जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, हमारी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी बिंदुओं को हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग जब चर्चा करेंगे अगली क्लास में तो हम लोग मिलेंगे भारत के संविधान के स्रोत। एक प्रश्न कहीं ना कहीं से आपको यह मिलेगा कि भारत का संविधान, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान उधार का पिटारा है, क्या उपरोक्त कथन सत्य है या नहीं, तो बिल्कुल उधार का पिटारा है। क्यों, क्योंकि भारत के संविधान में जो चीजें ली गई हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के संविधान से उद्गृहित की गई हैं, ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उसके पहले हम आपको बता दें कि संस्था की तरफ से सुपर टेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसके एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो ये है कि आपको एंट्री सुपर टेट लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और इस पर आप व्हाट्सएप करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप टीम से संपर्क करें या स्क्रॉलिंग में जो नंबर आपको चल रहे हैं उन पर भी आप बात करके, फोन करके संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।